बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब नई जंग छिड़ी है। यह जंग राहुल गांधी और पीएम मोदी के मसले पर है। बीते दिनों मोदी सरकार में मंत्री रवनी सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी और आतंकवाद को जोड़ने वाला बयान दिया था। वहीं यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब राहुल गांधी आतंकियों के साथ बैठे दिखेंगे। इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और विरोध प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। खड़गे की इसी चिट्ठी के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार कर चिट्ठी लिखी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुला पत्र लिखा है और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने लिखा कि जो पत्र देश के यशस्वी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को लिखा गया, उसे पढ़कर लगा कि आपकी बातें यथार्थ और सच्चाई से कोसों दूर है। नड्डा ने पत्र में लिखा है कि आपने राजनीतिक मजबूरी के कारण जनता की ओर से बार बार नकारे गए अपने फेल प्रोडक्ट को फिर पॉलिश कर बाजार में उतारने की कोशिश की, जिसके तहत चिट्ठी लिखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की करतूतों को मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए हैं या नजरअंदाज किया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जिस व्यक्ति का इतिहास पीएम समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहने और गाली देने का रहा हो, जिसने संसद में पीएम मोदी को डंडे से पीटने की बात कही, जिसकी दृष्ट मानसिकता को देश जानता हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी में कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी है और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? जेपी नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने भी मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे अपशब्द कहे थे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ऐसे शर्मनाक बयानों का आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। उन्होंने सवाल उठाया है कि उस वक्त कांग्रेस क्यों राजनीतिक शुचिता की बात भूल गई थी। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को खुले पत्र में लिखा है कि जब राहुल गांधी ने मोदी की छवि खराब कर देने की बात कही तो मर्यादा को किसने खंड खंड किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे, आतंकवाद किसे कहा जाता है जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इन दोनों में फर्क क्या रह जाता है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी आज भी इस देश की हर व्यवस्था से परे हैं। अमेरिका में पत्रकार पर हमला हुआ, इसके विरोध में आवाज उठाने पर अशोक श्रीवास्तव पर हमला कर दिया गया। अचानक से एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करके निशाना बनाती है, फिर कांग्रेस के सारे हैंडल्स एक एक करके पीछे पड़ जाते हैं। आज भी गांधी परिवार इस देश का सबसे शक्तिशाली परिवार है। आज भी 10 जनपद इस देश में लोक कल्याण मार्ग से भी अधिक ताकत रखता है। डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की गाड़ी पर हमला हुआ है। उन पर यह हमला प्रेस क्लब के बाहर पत्रकार की पिटाई मामले में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद हुआ। पत्रकार श्रीवास्तव की गाड़ी को एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हमले के बाद कई पत्रकारों ने इस मामले को उठाया है। जानकारी के अनुसार अशोक श्रीवास्तव जब बुधवार रात को अपने दफ्तर से वापस घर जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी में एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी। इस टक्कर में अशोक श्रीवास्तव की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अशोक श्रीवास्तव भी अचानक हुए इस हमले से चौंक गए। अशोक श्रीवास्तव हमले से पहले दिन में नई दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करने गए थे। यहां उन्होंने अमेरिका में इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ कांग्रेस के लोगों द्वारा की गई बदसलूकी के खिलाफ किए गए एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने यहां मांग की थी कि राहुल गांधी पत्रकार रोहित शर्मा से माफी मांगे।
उनके इस प्रदर्शन में कुछ और पत्रकार भी शामिल हुए थे। उन्होंने यहाँ कहा, हमें एक संदेश देना है कि मोहब्बत की दुकान कहने वाले पत्रकार का सम्मान सीखे। एक पत्रकार के साथ राहुल गांधी की टीम के लोगों ने हमला किया, उसका फोन छीना, उसके साथ हाथापाई की। क्या यह मीडिया की आजादी का सम्मान है? क्या संविधान का पालन है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल पूछना गुनाह है? इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के लोग चिढ़े हुए थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और सुप्रिया श्रीनेत ने इस प्रदर्शन का मजाक उड़ाने की कोशिश भी की। प्रदर्शन के बाद वे वापस अपने दफ्तर गए और उसके बाद जब यहां से निकले तो उनकी गाड़ी में आकर एक गाड़ी टकराई। उन पर हुए इस हमले के बाद कई पत्रकारों ने इसकी सूचना ट्विटर पर डाली है। पत्रकारों ने इस बात की आलोचना की कि क्या मीडिया की आजादी पर बात करने के कारण अशोक श्रीवास्तव पर हमला हुआ। एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास भदौरिया ने बताया, कल रात 18 सितंबर 2024 को वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला हुआ। आधी रात को जब वे अपने दफ्तर से निकल रहे थे तभी उनकी कार को एक एसयूवी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। कल अशोक श्रीवास्तव जी ने इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी और हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन से पूरा इकोसिस्टम तिलमिला उठा था, लेकिन क्या विरोध के स्वर किसी की जान मांगते हैं। वहीं पत्रकार अनुपम कुमार सिंह ने भी हमले की आलोचना की। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी आज भी इस देश की हर व्यवस्था से परे हैं। अमेरिका में पत्रकार पर हमला हुआ, इसके विरोध में आवाज उठाने पर अशोक श्रीवास्तव पर हमला कर दिया गया। अचानक से एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है। उससे पहले सुप्रिया श्री ने ट्वीट करके निशाना बनाती है, फिर कांग्रेस के सारे हैंडल्स एक एक करके पीछे पड़ जाते हैं। आज भी गांधी परिवार इस देश का सबसे शक्तिशाली परिवार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जितनी आक्रामकता देखी गई है, नाटकीयता भी उतनी ही नजर आती है। पैंतरेबाजी तो हद से भी ज्यादा है, बीजेपी से ज्यादा तो यह चीजें राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विरोध से शुरुआत की थी। शीला दीक्षित को शिकस्त देकर कांग्रेस को दिल्ली से ऐसा उखाड़ फेंका कि खाता खोलना तक मुश्किल हो गया है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव। और विडंबना देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने पहली सरकार भी कांग्रेस की मदद से ही बनाई थी। शीला दीक्षित के होते 2019 में तो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो सका, लेकिन 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन कर ही लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल के साथियों ने कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन न करने की घोषणा कर दी। फिर भी राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। एक बारगी आप नेता संजय सिंह ने तो राहुल गांधी के प्रस्ताव का स्वागत भी किया था, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने लगी और अब तो हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन तो 2019 में भी अच्छा ही रहा, लोकसभा चुनाव में भी दोनों को बराबर सीटें मिली थी। लेकिन ताजा मुश्किल यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और अब हरियाणा में कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हो रहा है, आम आदमी पार्टी की भूमिका तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। देखना है ज्यादा नुकसान किसका होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर से सपोर्ट देने के बाद गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल से लगातार दूरी बनाकर चलता रहा। कोशिशें तो गठबंधन की अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2019 में भी हुई थी, लेकिन चुनावी गठबंधन 2024 में ही हो सका, वो पंजाब में नहीं। तब कांग्रेस ने हरियाणा और गुजरात में एक एक लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब तो हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भिड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इंडिया ब्लॉक में कहने को तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली में साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी कदम पर ऐसा नहीं लगा कि दोनों दल साथ हैं। रोड शो और रैलियां तो भूल जाए, दोनों दलों के नेताओं ने एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की।
अब तक यही देखने में आया है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जैसे नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो संजय सिंह ने इंडिया ब्लॉक में उनके लिए लड़ाई लड़ने की अपील की और जंतर मंतर पर आपके विरोध प्रदर्शन में भी कांग्रेस नेता पहुंचे थे, लेकिन जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने जो पैंतरा दिखाया है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरह वो कांग्रेस के खिलाफ भी अपने मिशन में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहले के मुकाबले थोड़ा ताकतवर बनकर उभरे, लेकिन अब उनको समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी से पहले वो ही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले विपक्षी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट और शरद पवार की एनसीपी गुट वाली महाविकास आघाड़ी में काफी खींचतान देखने को मिल रही है। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी चर्चा हुई। गुरुवार को राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी रैली करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कल आंदोलन करने की बात भी कही गई है, जिसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने सपोर्ट किया है। हालांकि ये दोनों दल महाराष्ट्र में होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत व्यस्त है, कांग्रेस के नेता इतने व्यस्त हैं कि 10 दिन से भी समय नहीं दे पा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता तारीख पर तारीख दे रहे हैं, फिर भी हमने उनको बुलाया है कि अब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मसला सुलझा लेना चाहिए और अगले 3 दिन हम बैठक कर बात करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और क्षेत्र के हिसाब से बातचीत की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के मसले पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की राय है कि जहां जीतने की स्थिति है उसे देखते हुए सीट का बंटवारा किया जाना चाहिए। बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान करे। इस मसले पर भी खींचतान की खबरें आई थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने ये भी मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में बड़ी टूट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर सत्ता पर बैठने के मसले पर उसकी बीजेपी से ठन गई। नतीजे में दशकों पुरानी साथी छोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की थी, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे समेत 39 विधायकों के बगावत से शिवसेना में टूट हो गई। वहीं अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर एनसीपी तोड़ी और सत्ता में भागीदारी कर ली। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और शिंदे व अजीत की बगावत के कारण उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए मुसीबत है कि वे अपने बागी गुटों को किस तरह शिकस्त दें। वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आई है। इस्तीफे के बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। एक तरफ जहां दिल्ली में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर रही, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। एक तरफ जहां दिल्ली में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर रही, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। अपनी याचिकाओं के माध्यम से केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन 2 याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिनमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी।
विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केजरीवाल की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। आप नेता ने उन्हें जारी समन की अनदेखी को लेकर ईडी की ओर से दायर दो शिकायतों के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी कई समन की अनदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसका ऐलान वे दो दिन पहले ही कर चुके थे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाई गई विधायकों की बैठक में आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। आतिशी ने उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मंगलवार को पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को सीएम बनाने का फैसला लिया गया। अब दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा और उन्हें सरकारी सीएम हाउस खाली करना होगा। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, विधायक, मंत्री और फिर आज सीएम बनाया। मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। खुश भी हूं और दुखी भी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके शपथ ग्रहण को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस बारे में सवाल पर संजय सिंह कहते हैं, यह तो एलजी साहब से पूछिए, ये ही वो बता सकते हैं। एलजी साहब की फाइल कैसे चलती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, यह सब वही बेहतर जानते हैं। यह सब सवाल एलजी साहब से बनते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।